अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसीब अहमद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाते हैं फॉइल फ़िश और ग्रिल फ़िश, दोनों एक साथ बनाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम पढ़ के आते हैं जुमा, आज जुमा भी है। तो चलें शुरू करते हैं, मैं आपको साथ दिखाता हूं कैसे बनती है। बड़ा आसान सा तरीका है, घर के मिसालों से तैयार हो जाएगी। चलें शुरू करते हैं। ये मैं आ गया हूँ जी अब मछली वाली शॉप पर, यहाँ पर मछली बनवा रहा हूँ। ये देखें, ये बना रहे हैं भाई। इसके ऊपर से जो इसके विंग्स हैं वो उतार रहे हैं, सारा कुछ इसके फ्राई करके देंगे। तो फिर बाकी का प्रोसीजर घर जाके चलते हैं। लें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। हम मछली को निकाल के इसको अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं, फिर मसाले लगाते हैं। चलें जी, ये इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ है वो अब अच्छी तरह साफ करेंगे धो के। चलो मैं इसको धोता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो अब हम मछली ग्रिल फिश और फॉइल फिश के लिए मसाला तैयार करने लगे हैं। इसमें 3 से 4 चम्मच दही और ये 3 से 4 चम्मच जो है अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना दिए। काली मिर्च है वो मैं सारा कुछ आपको डाल के दिखाता हूँ जिस तरह डालना है। ये आपने ले लेनी है दही, ये एक साइड पे डाल लेनी है पहले। और ये सारा जो हमने अदरक और सब्ज़ मिर्च, इसमें लहसुन नहीं है, ये डाल लेंगे। लीमू हमने निचोड़ा हुआ है 3 से 4 चम्मच हैं, ये बल्कि एंड पे डालेंगे। और अजवाइन पीसी हुई 1/2 चम्मच ये डाल लेंगे। काली मिर्च हम लेंगे 1/2 चम्मच पीसी हुई, ये देखें। इसके बाद नमक लेंगे, वो भी अपने ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन मैं 1/2 चम्मच लूँगा। 2 चम्मच हमने फिश मसाला लिया है, नेशनल कंपनी का लिया है, तो ये 2 चम्मच ये डालेंगे। ये 2 चम्मच हम लेंगे, बस ये ज़्यादा नहीं डालेंगे, तेज़ हो जाएगा। इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। इस पर बल्कि हम थोड़ा सा लीमू भी डाल लेते हैं, लीमू का रस, बाकी का मछली के ऊपर डालेंगे। ये बल्कि मछली के ऊपर ही डाल देते हैं, ये देखेंगे। इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसके ऊपर सारा लगाते हैं। दही ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करनी और ऑयल वगैरह भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे करें, अगर अच्छी तरह मसाला डालना चाहते हैं तो इस पर काट लगा लें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लगा के। ये इस तरह आपने छुरी एक लेनी है, इसको इस तरह करके 3 से 4 कट लगा देने हैं। वैसे तो ये वो मछली बनाने वाला लगा देते हैं, लेकिन लगाया नहीं उसने।
चार से पाँच घंटे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो मैरिनेट जितना ज़्यादा होगा उतना मसाला इसके अंदर जाएगा और उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी मछली। तो मिलते हैं अब इसको जब बनाएंगे फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आग जल गई है, इसमें बनाएंगे अभी तंदूरी फिश और इधर ग्रिल फिश। इधर भी अभी आग जला लेते हैं, इसमें कोला रखा हुआ है वो जलने के लिए, ये देखें जी। तो ये अभी उधर रख के सारी आग जलाते हैं। तो आपको यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ की जगह भी दिखाता हूँ, ये हमारे कमरे के अंदर ही है। तो हमें इसका ये फ़ायदा है, ये देखें ये सुराख छोड़े हुए हैं, यहाँ से धुआँ वगैरह ऊपर निकल जाता है। चले अब शुरू करते हैं। हमने मछली के ऊपर मिसाला लगाया था, बड़े अच्छे तरीके से मिसाला लग गया है, ये आप देख सकते हैं। इसके नीचे भी ना सारा इसने पानी वगैरह छोड़ दिया और अच्छी तरह अंदर जज़ब हो गया। तो ये हमने लगाया था तकरीबन 12:30 बजे, और इस टाइम टाइम हो गया जी 6:40। और इसको अभी जिस तरह ग्रिल फिश बनाते हैं उस तरह बनाते हैं। और एक हमने ये फॉइल पेपर लिया हुआ है, ये एक के ऊपर ये लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह होगा। चलें शुरू करते हैं जी। ये आप इसको हम फॉइल को लपेटते हैं, फॉइल पेपर इसको। ये इस तरह करके अच्छी तरह इसको लपेट लेंगे। तो अब इसको रखते हैं हम आग पे, ये हो गई है। ये अच्छी तरह इसको लपेट लिया फॉइल पेपर में, अब इसको रखते हैं बीच में रखिए। अब इधर से कोयले हम एक बार इधर निकाल लेते हैं, फिर इसमें वो रखते हैं। ये अब इसको अंदर रखते हैं आग के। तो ये इस तरह करके ना आपने कोई चम्मच वगैरह ले लेना है, सीधा हमारे पास इस तरह का चूल्हा है। तो ये देखिए इसमें इसके ऊपर अब हम कोयले डाल देंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा कोयले नहीं डालने, अब ये इसको थोड़ी देर पकने देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट, कोयलों को बीच में पड़ी रहने देंगे। देखो थोड़े से और कोयले डालेंगे, ज़्यादा कोयले नहीं। ये इसमें हमने लगा ली है ग्रिल के बीच में मछली, अब इसको आग के ऊपर रखने लगे इसमें। ये वाले भी ज़्यादा तेज कोयले नहीं होने चाहिए, ज़्यादा तेज आँच, हल्की आँच पे बड़ी मज़े की बनेगी। तो अब इसको ऐसा ऐसा सुलटाई रखेंगे ताकि अच्छी तरह बन जाए। शुरू में इसको एक दो दफ़ा जल्दी पलट देंगे ताकि ये पानी इसके ऊपर ही खुश हो जाए, फिर ऐसा ऐसा पलटी रखेंगे। ये देखें जी हल्का हल्का इसका पानी खुश्क हो गया। जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा फिर इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। तो इधर से भी ये भी काफ़ी हद तक आवाज़ आप सुन रहे होंगे जिस तरह उबल रही है। तो इसमें हल्का सा हमने ऑयल भी लगाया था, वो आपको बताना भूल गया मैं। ये देखें जी अब इसको उलट लेते हैं एक बार।
जी देखिए कितनी प्यारी नज़र आ रही है, हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है इसकी। हल्का ऑयल लगा देंगे, पानी खुश्क हो गया है तो ये हमने ब्रश लिया हुआ ऑयल लगाने के लिए। अच्छी तरह इस पर ऑयल अच्छी तरह लगा देंगे इस पर, फिर इसको दूसरी साइड पे भी लगाते हैं। अब इसकी साइड बदल देंगे हम, तो पहले इसे इसको लगा लेते हैं। लीमू भी हम लगाएंगे, तो हमारे पास ये देसी लीमू है, ये एक ही बोल है, ये इस पर लगा दिया, इस पर भी लगा के फिर इनकी साइड बदल देंगे। जी देखिए एक हमने हाफ जो है लीमू वो सारा लगा दिया। में रखी थी इसको 20 से 25 मिनट हो गए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। चलो इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाह, ये हमने निकाल ली है, अब इसको रखते हैं ट्रे के बीच में, फिर इसको खोलते हैं देखते हैं कैसी बनी है। माशाल्लाह से हमारी ये फिश ग्रिल फिश तैयार हो गई है, अब इसको भी उतार लेते हैं और सारी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये बनी है। ये देखें इस साइड से भी देख सकते हैं आप, और इसको भी मैं आपको ये देखें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मज़े की। तो अब इसको उतारते हैं, हम इसको निकालने लगे हैं। अगर साफ लागे तो अपने छुरी या किसी कांटे या किसी चीज़ की मदद से साथ से हटा देनी है। देखिए बड़े आराम से हट रही है। इसी तरह दूसरी साइड से भी हटा देंगे, ये बड़े आराम से उतर गई है। इसको इस साइड से करेंगे, इधर से भी हम हटा देंगे। फिर आपने ऐसे ही करना है, इसको ट्रे को लेके ना इसको खोल लेना है, ट्रे को उसके ऊपर रखना और बड़े आराम से ऐसे करना है। ये देखिए ये माशाल्लाह से बड़े आराम से उतर गई है। इसी तरह अब हम फॉइल वाली को भी खोलते हैं, और पहले दूसरी ट्रे मिलता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, देखते हैं माशाल्लाह से धुएं निकालें और कितनी मज़े की बनी है। ये मैं आपको चख के बताता हूँ ये कैसी बनी है। बहुत ही मज़े की बनी है, आप भी घर में ट्राई करें। ये देखें और बड़े अच्छे तरीके से पक गई अंदर तक सारी, ये बहुत ये देखें जी ये तैयार हो गई है, तो ये भी तैयार हो गई है माशाल्लाह, बड़ी ही मज़े की बनी है। ये देखें तो जो बाकी की वो अपने अभी रख दी है, दोबारा ग्रिल हो रही है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये बड़ी हुई है। ओके जी, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह हाफिज़।